हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए क्लीनिंग टिप्स लेके आई हूँ। ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इन टिप्स को यूज़ करेंगे तो आपके पैसे की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं पहली टिप की तरफ। चिमनी को हम काफ़ी टाइम तक साफ़ नहीं करते तो वो बहुत गंदी हो जाती है, और उसको बाद में हम साफ़ करते हैं तो वो साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको चिमनी को साफ़ करने का तरीका बताऊंगी कि आप बड़े आसानी से इनके फ़िल्टर कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी चिमनी के फ़िल्टर कितने गंदे हो रहे हैं। अब हम इनको साफ़ करेंगे। इन फ़िल्टर में बहुत ऑयल जम जाता है तो इनको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर मैं इसका साफ़ करने का इजी तरीका बताऊंगी। इसके लिए मैंने सिंक में पानी भर लिया है। आप चाहे तो कोई बड़े बर्तन जैसे टब है या जिसमें फ़िल्टर आसानी से आ जाए उसमें आप पानी भर दें। अब इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी के बाद हम इसमें सिरका डालेंगे। तो सिरका आप आधा कप डाल दें और इसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। तो अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम कुछ बूंदें डिशवॉश की डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मिक्स कर लें। अब हम इसमें फ़िल्टर डाल देंगे। फ़िल्टर को आप 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही डाले रहने दें। अगर आपके फ़िल्टर ज़्यादा गंदे हैं तो आप 10 मिनट तक डाले रहने दें। अगर थोड़े से कम गंदे हैं तो आप 5 मिनट ही रखें। अगर आप फ़िल्टर को इस तरीके से भिगो के रखेंगे तो जब आप साफ़ करेंगे तो आपके फ़िल्टर बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं हमारे फ़िल्टर कितनी आसानी से साफ़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक टूथब्रश ले लें और उससे इस तरीके से साफ़ कर दें। इसमें जो ऑयल लगा है वो बड़ी आसानी से हट रहा है। आप देख ही सकते हैं बड़ी आसानी से हट गया है सारा ऑयल, और इसका पानी आप देखिए कितना पीला पड़ गया है। ये देखिए कितनी गंदगी इसमें निकल गई, सारा ऑयल इसमें निकल गया है। अब हम इसको साफ पानी से धो लेंगे। तो अब हम इसको पानी से धो लेंगे। पानी से धोने के बाद आप थोड़ी देर फिल्टर ऐसे ही रख दें जिससे कि इसमें जो भी पानी है वो सारा निकल जाएगा और ये सूख जाएंगे। सूखने के बाद आप इसको चिमनी में लगा दें। तो देखिए दोस्तों, हमारे फ़िल्टर बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, और अब ये सूख भी गए हैं तो मैंने चिमनी में लगा दिए हैं। तो आप देख ही सकते हैं हमारे फ़िल्टर बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। ये पहले कितने गंदे थे, अब देखो कितने साफ़ हो गए हैं। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। ये टिप भी आपके बहुत काम आने वाली है। तो जो भी हमारे पुराने कांच के ग्लास होते हैं या कांच के कोई भी बर्तन होते हैं, जैसे कटोरी है या कप है, जो भी बर्तन होते हैं पुराने होने के बाद ये थोड़े इनमें पीलापन आ जाता है। पीलापन आने के बाद ये गंदे दिखने लगते हैं। तो हम इन गिलास में किसी गेस्ट को पानी भी नहीं दे सकते और कोई ड्रिंक भी नहीं दे सकते। आप इन गिलास को घर में ही बड़ी आसानी से चमका सकते हैं। एक बर्तन में मैंने थोड़ा गर्म पानी ले लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत कम गर्म भी नहीं है, इतना गर्म है कि हम पानी में हाथ आराम से डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने के बाद हम इसमें गिलास डालेंगे। तो गिलास को 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही डला रहने दें। अगर इसमें पानी थोड़ा सा कम है तो आप बीच बीच में इसको घुमाते रहें जिससे कि गिलास की सारी तरफ विनेगर का पानी लग जाए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको गिलास को निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप देख ही सकते हैं हमारा ग्लास कितना नया जैसे दिखने लगा है, एकदम साइन करने लगा है, और इसमें जो पीलापन था वो सारा निकल गया है। तो आप इस तरीके से कांच के बर्तन को साफ कर सकते हैं, आपके पुराने बर्तन भी एकदम नए जैसे हो जाएंगे। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये टिप भी आपके काफ़ी काम आने वाली है। कभी कभी हमारे सिंक में स्मेल आने लगती है या कोई कीड़े मकोड़े भी निकलने लगते हैं, जैसे कॉकरोच आने लगते हैं या दूसरे कोई कीड़े निकलने लगते हैं। स्मेल ना आए और कीड़े ना निकले, उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने कपूर लिया है। तो कपूर की 4-5 गोलियां ली हैं
और इसको हम सिंक में इस तरीके से डाल देंगे। कपूर की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, तो जिससे जो इसमें बदबू आ रही है वो आपको नहीं आएगी, बस कपूर की खुशबू आएगी। और इसकी स्ट्रांग स्मेल से आपके सिंक में कीड़े भी नहीं आएंगे। जब भी आपको दोनों प्रॉब्लम हो रही हैं तो आप इस टिप को ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो आज मैं आपको मार्केट जैसी सिरके वाली प्याज बना के बताऊँगी। तो मैंने कुछ प्याज ली हैं, छोटी छोटी प्याज चाहिए इसके लिए, और उनको छील लिया है। तो इस तरीके से आप इनको छील लें प्याज को। इसके बाद आप इस तरीके का कोई डब्बा ले लें या कांच की बोतल ले लें जो चौड़े मुंह वाली हो, और इसमें हम सिरका डाल देंगे। जितना हमने सिरका डाला है उतना ही आप इसमें पानी डाल दें। तो अगर आप इस तरीके से सिरके वाली प्याज बनाएंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। अब हम इसमें बीटरूट डालेंगे। बीटरूट डालने से हमारी प्याज का कलर बिल्कुल मार्केट जैसे आ जाता है, एकदम थोड़ा पिंकिश आ जाता है। तो आप देख ही सकते हैं सिरके में डालने से हमारा सिरका पिंक पिंक सा होने लगा है। और इसके बाद हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारे सिरके का कलर कितना अच्छा आ गया है, एकदम पिंक आ गया है। तो जब हम इसमें प्याज डालेंगे तो हमारी प्याज का कलर एकदम पिंक आ जाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसे दिखने लगेगी। तो इस तरीके से हम प्याज भी डाल देंगे इसमें। प्याज डालने के बाद आप 3 से 4 घंटे बाहर ही रखा रहने दें, और उसके बाद आप इसको ध्यान से फ्रिज में रख दें। आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखें, नहीं तो बाहर हमारी प्याज ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आप 3 से 4 घंटे के लिए ही बाहर रखें। तो देखिए हमारी सिरके वाली प्याज बन गई है। अब हम 2-3 घंटे के लिए इसको रखेंगे और उसके बाद आप इसको खा सकते हैं। तो जब भी आप खाना खाएं तो आप इसमें से एक प्याज निकालें और आप उसको खा सकते हैं। खाने के साथ सिरके वाली प्याज बहुत टेस्टी लगती है, तो आप इसको बीच बीच में कभी भी बना सकते हैं। इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये झटपट भी बन जाती है। ये टिप भी क्लीनिंग से रिलेटेड है, तो आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं आपको सिंक साफ़ करना बताऊंगी कि आप इसको डेली इस तरीके से साफ़ करते रहें। डेली ना करें तो आप 1-2 दिन में आप इस तरीके से साफ़ करते रहें, तो जिससे आपका सिंक भी साफ़ रहेगा और इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। तो मैंने बेकिंग सोडा लिया है, इसको हम इस तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद मैंने आधा नींबू लिया है। तो ये देखिए मैंने आधा नींबू लिया है, और इस नींबू को हम इस तरीके से घिस देंगे। घिसने से इसमें जो गंदगी लगी है वो सारी हट जाएगी, और जो भी इसमें चिकनाई लगी है या जो भी गंदगी लगी है वो सारी हट जाएगी। सिंक में चारों तरफ आप इस तरीके से नींबू घिस दें बेकिंग सोडा के साथ, और इसके बाद आप इसको धो लें। धोने के बाद आप देख ही सकते हैं हमारा सिंक कितना क्लीन हो गया है, एकदम साफ भी हो गया है। तो आप इस तरीके से सिंक साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।